कहते हैं जब समय साथ देता है तो इंसान किसी भी बिजनेस या काम में हाथ लगाए तो उसे तरक्की मिलती है, लेकिन वहीं जब समय साथ न दे तो वो बिजनेस या काम चौपट हो जाता है। शायद ऐसा ही हो रहा है इस बिजनेसमैन के साथ, जिसका समय साथ नहीं दे रहा है और उसके बुरे दिन आते जा रहे हैं। कभी दुनिया के अमीरों में होती थी इनकी गिनती, लेकिन आज एक एक कर उनकी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। हमारे देश में अंबानी परिवार सबसे रईस है, लेकिन भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे भाई की कहानी उनसे काफी जुदा है। जहां मुकेश विवादों को अपने पास भी नहीं फटकने देते, तो वहीं उनके छोटे भाई कई बार विवादों में फंस चुके हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की। धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी की एक एक कर कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। उन पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। अब अनिल की डिफेंस कंपनी रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड भी दिवालिया हो चुकी है। एक वक्त था जब अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर उद्योगपति थे, लेकिन आज हालत यह है कि वो दिवालिया हो चुके हैं। बैंकों के भारी भरकम बोझ तले दबे अनिल अंबानी करीब 49 बार डिफॉल्टर बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि जहां धीरू भाई के जाने के बाद कंपनी के बंटवारे होते ही अनिल अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, वहीं अब ऐसा क्या हो गया कि अनिल अंबानी बर्बादी की राह पर चल पड़े। अनिल अंबानी की आरकॉम दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई, कंपनी पर कर्ज बढ़ने लगा। चलिए आज अनिल अंबानी की उस गलती की बात करते हैं जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच गए। दोस्तों, रिलायंस ग्रुप का कारोबार आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ है। साल 1958 में धीरू भाई अंबानी द्वारा इसकी नींव डाली गई थी और आज दुनिया भर में इसका डंका बज रहा है। हालांकि 2002 में धीरू भाई के निधन के बाद रिलायंस फैमिली में बंटवारा हुआ और इस विशाल कारोबार को उनके दोनों बेटों में बांट दिया गया। लेकिन आज जहां बड़े बेटे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान है, तो वहीं छोटे बेटे अनिल अंबानी अर्श से फर्श पर पहुंच चुके हैं। दरअसल इस बंटवारे की नींव की शुरुआत होती है 2004 से। दरअसल अनिल अंबानी ने साल 2004 में राजनीति में एंट्री ली थी। वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा पहुंचे थे। मुकेश अंबानी को छोटे भाई की राजनीति में कदम रखना पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि उनके पिता द्वारा खड़ा किया गया रिलायंस का व्यापार निष्पक्ष रूप से अनिल आगे बढ़ाए, जिस वजह से दोनों भाइयों में मतभेद हो गया था। ये मतभेद मीडिया तक भी पहुंचा। धीरे धीरे दोनों में वाद विवाद होने लगा तो उनकी माँ कोकिलाबेन ने दोनों के बीच में कदम रखा। दोनों भाइयों में पिता धीरू भाई अंबानी की दौलत का बंटवारा कर दिया। इसके बाद टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सेवाओं की सारी जिम्मेदारी 2005 में अनिल अंबानी को सौंपी गई। दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाने के बाद दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। काम भी अच्छे से चल रहा था। 2006 से साल 2008 तक अनिल भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बोली में बिजी रहे। मेट्रो ट्रेन, कोयला संबंधित प्रोजेक्ट, दादरी में गैस पर आधारित मेगा पावर प्रोजेक्ट, इन सभी प्रोजेक्ट में काफी बिजी रहे थे। अनिल ने हॉलीवुड फिल्म मेकर स्टीवन स्लीप वॉक की कंपनी ड्रीम वर्क्स को भी 83.5 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। लेकिन उनकी किस्मत रिलायंस पावर से जगी और वो कुछ ही दिनों के बाद लगभग मुकेश अंबानी की दौलत के करीब पहुंच गए। 2007 के समय दोनों भाई की संपत्ति में कुछ अंतर नहीं था। अनिल अंबानी ने उस साल रिलायंस पावर के शेयर को बिक्री के लिए भी उपलब्ध किया, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे वे नीचे आने लगे। पहले सफलता और फिर असफलता के मार्ग पर बढ़ने के और अनिल अंबानी के कंगाल होने के कई कारण थे, जिसमें से पहला कारण ये था कि अनिल अंबानी को जब बंटवारे के बाद टेलीकॉम, एनर्जी और फाइनेंस जैसे नए जमाने का कारोबार मिले, तो उन्होंने बेहद जल्दबाजी में बिना सटीक प्लानिंग के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए, जो उन्हें प्रॉफिट पहुंचाने के बजाय भारी पड़ गई। बिना तैयारी के एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करने से उनके ऊपर कर्ज बढ़ता गया। अनिल अंबानी की जल्दबाजी अपने कारोबार को रॉकेट की रफ्तार से टॉप पर पहुंचाने के लिए थी। वे उस समय एनर्जी से लेकर टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनने के लिए जिन नए प्रोजेक्ट्स में दांव लगा रहे थे, उनमें लागत अनुमान से बहुत ज्यादा आ रही थी और रिटर्न ना के बराबर मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी रणनीति में कुछ खास बदलाव नहीं किए। इसके अलावा हाल ही में अनिल अंबानी समूह ने 2015 में पीपा वाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड को खरीदा था। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया और रफाल डील इस ग्रुप का पहला बड़ा सौदा था। फ्रांसीसी कंपनी डसॉ ने रिलायंस के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया और कंपनी का नाम रखा गया था डसॉ रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड। इसमें रिलायंस की हिस्सेदारी 59% जबकि डसॉ की 49% थी। कंपनी ने नागपुर के मिहान स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री भी लगा ली और उसके बाद जोरों शोरों से वे लड़ाकू जहाजों के कलपुर्जे तैयार भी करने लग गई। लेकिन इन सब के साथ ही अनिल अंबानी की यह कंपनी कब दलदल में फंसती चली गई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद हालात ये हो गए कि अब उन्हें अपनी कंपनी को नीलाम करना पड़ा। नीलामी के वक्त स्वान एनर्जी के नेतृत्व वाली हेजल मर्केंटाइल कंसोर्टियम ने इस कंपनी को खरीदने के लिए 2700 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी।
वैसे देखा जाए तो 2007-08 की मंदी ने बहुत से उद्योगपतियों को तगड़ा झटका दिया था, जिनमें मुकेश अंबानी भी थे। उनकी दौलत में तकरीबन 60% की गिरावट आई, लेकिन वे इस मुश्किल समय से निकल आए और अपनी पुरानी स्थिति के नजदीक पहुंच गए और अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके विपरीत 2008 में कई लोगों का ये मानना था कि अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएंगे, खासतौर पर रिलायंस पावर के पब्लिक इश्यू के आने से पहले। रिलायंस पावर का इशू कई मायनों में ऐतिहासिक था और एक मिनट से भी कम समय में पूरा सब्सक्राइब हो गया था। माना जा रहा था कि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना के एक शेयर की कीमत 1,000 रुपए तक पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो अनिल अंबानी वाकई मुकेश से बहुत आगे निकल जाते। अनिल अंबानी का हर धंधा चौपट हो गया, उनका कोई भी धंधा पनप नहीं पाया। इस समय उनके ऊपर भारी कर्ज है। ऐसी स्थिति में अब वे कुछ नया शुरू करने की हालत में नहीं है। इतना ही नहीं, कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कई कंपनियां एक एक कर बिकती चली गई। जुलाई 2021 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को बेचना पड़ा। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1,629 करोड़ रुपए में इस कंपनी का अधिग्रहण किया। इससे पहले इसी कंपनी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस भी खरीदा था, जिसका अधिग्रहण 2400 करोड़ रुपए में किया गया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा पर 8,781 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 26,000 करोड़ रुपए का। रिलायंस कैपिटल का कर्ज वित्त वर्ष 2021 में 26,887 करोड़ रुपए का है। अनिल अंबानी इस समय अपने अधिकतर कारोबार को या तो बेच रहे हैं या फिर उसे समेटने में लगे हैं। अब अनिल अंबानी इस मुसीबत से कैसे कर पाएंगे पार, ये तो कहना मुश्किल होगा। हाल ही में अनिल अंबानी पर स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपए चुकाने को कहा था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर वो नहीं चुकाते तो जेल जाना पड़ता। मुकेश अंबानी मुश्किल वक्त में अपने भाई का सहारा बने और पैसे चुकाकर जेल जाने से बचा लिया। लेकिन इसके बाद अब लंदन कोर्ट ने चीन के बैंकों की अर्जी की सुनवाई करते हुए अनिल अंबानी से 10 करोड़ डॉलर की राशि जमा करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने अनिल अंबानी को 6 सप्ताह की समय सीमा दी है। अब ये देखना अहम है कि अनिल अंबानी इस रकम को कैसे दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनिल अंबानी के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।